ई रिक्शा टेस्ला से आगे निकल गया है। आज इंडिया में ई व्हीकल के 83% सिर्फ ई रिक्शा ही है, जो पर मंथ 11,000 यानी कि साल में 15 लाख तक बिक जाते हैं, जबकि टेस्ला पूरे वर्ल्ड में साल भर में सिर्फ 3,50,000 तक ही बिक पाते हैं। पर ई रिक्शा की इतनी स्पीड ग्रोथ सही है क्या? अगर नहीं तो क्यों और कैसे सुधारा जा सकता है? पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आए कैसे? चलिए प्रकाश डालते हैं। 1981 में डॉक्टर अनिल राजवंशी ने साइकिल रिक्शा को इम्प्रूव करने का सपना देखा था, जिसके लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से प्रोफेसर की जॉब तक छोड़कर इंडिया आ गए थे। 1990 में उन्होंने निम्बेकर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में रिक्शे को इम्प्रूव करने का फर्स्ट अटेम्प्ट भी किया। एट लास्ट 1999 में IIT कानपुर के इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इम्प्रूव साइकिल रिक्शा इलेक्सा को प्रेजेंट करके पूरा भी किया, और ईयर 2000 में फर्स्ट इंडियन इलेक्ट्रिक ई रिक्शा पेटेंट भी करा लिया, जो 2009 से पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया। पॉपुलरिटी पाता भी क्यों नहीं? जहां ऑटो 6 से 11 लाख के मिलते थे और पर किलोमीटर 2 से 3 रुपए की कॉस्ट आती थी, वो भी हाई मेंटेनेंस खर्च के साथ, वहीं ई रिक्शा 1.5 से 3 लाख के और पर किलोमीटर सिर्फ 40 पैसा का कॉस्ट। पर ये सस्ता महंगा कैसे पड़ रहा है, जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अगर सभी CNG ऑटो की जगह ई रिक्शा आ जाए तो पर ईयर 3,78,000 टन कार्बन एमिशन कम किया जा सकता है, जो एनवायरमेंट के लिए अच्छा हो। साथ ही साथ गवर्नमेंट की इतनी सारी पॉलिसीज हैं जो ई रिक्शा की ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं। 2021 में इंडिया में 15 लाख ई रिक्शे थे, बट रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1.5 लाख का ही था। ना तो ड्राइवर्स के पास लाइसेंस है और ना ही ऑथराइज चार्जिंग स्टेशन। ई रिक्शे के पार्ट चाइना से इंपोर्ट होते हैं, जिन्हें इंडिया में यूजली नॉन स्टैंडर्ड तरीके से असेंबल किया जाता है, और सस्ते के चक्कर में अनऑर्गेनाइज प्लेयर 80 किलो की लेड एसिड बैटरी का यूज करते हैं, जो 5 से 6 महीने में ही बदलनी पड़ती है, और उनको केयरलेसली डिस्पोज भी किया जाता है। ई रिक्शा ओनर्स के रोड बर्दीनेस और ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाने चाहिए। ई रिक्शे की कोई रेगुलरिटी अथॉरिटी तो नहीं है, बट सप्लाई चेन को फॉर्मल चेन में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, और रिक्शे को ARAI और ICAI स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही कंपाइल किया जाना चाहिए। लिथियम बैटरीज का लोकलाइजेशन होना चाहिए, जिससे लेड एसिड बैटरीज का यूज कम हो, और साथ ही साथ पुरानी बैटरीज का एक्सचेंज पॉलिसी भी होनी चाहिए।